मी का म्हणतो आता थांबायचं नाही ना कुठे ठीक आहे मग ग्लोव्ह घालतो मला वाटलं नाश्ता करायला थांबायचं म्हणून मी ग्लोव्ह नाही घातले गुड मॉर्निंग एवरीवन सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आज हमारा छठवां दिन है इस ट्रिप का रोज की तरह आज भी हमें लेट हो चुका है। अब जैसलमेर यहाँ से 267 किलोमीटर है और उसके लिए लगने वाला टाइम जो बता रहा है वो है 5 घंटे का। जो हमने स्टे किया था वो बिना ये ही था रुद्रनील बिना। यहाँ पे रुकने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अगर उसे रेटिंग देना है तो मैं उसे रेट करूँगा 4.6 out of 5। यार अच्छी खासी धूप निकली हुई है। सुबह जब मैं उठा था और टेम्परेचर चेक किया था तो टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे लगा शायद दिन भर यही हाल होगा। तो जोधपुर की सड़कों पर चल रही है अपनी बाइक। टैंक जा रहा है तब पे पेट्रोल टैंक। है इस मारो गावे राजस्थानी मारो गावे को मैं मारवाड़ी नहीं लागू लागू कि नहीं लागू मारवाड़ी नहीं लगता तो मारवाड़ी लगता हूँ मैं ऐसा नहीं है मारवाड़ी लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं यार। अच्छा इधर ओके गाइस जैसलमेर अभी भी 200 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। हमने सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया है ना चाय पिया ना कॉफ़ी पिया ना कुछ। जोधपुर छोड़ने के बाद 20-25 किलोमीटर तक तो रास्ता कुछ सही नहीं था लेकिन उसके बाद जो रास्ता मिला है एकदम मक्खन रास्ता है। बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर एकदम प्लेजेंट है। 100-120 का क्रूजिंग स्पीड मिल रहा है तो मज़ा आ रहा है चलाने में। और मेरे साथ है मेरे एक नए दोस्त जिनका नाम क्या है हरीश। और जिनका नाम है हरीश जो यहाँ पे एक होटल है उसमें काम करते हैं। किधर है हमारा ऑर्डर अभी तक आया नहीं। आधा घंटा हो गया इधर आके। सर अभी लग रही हो। अरे अभी लग रहा होगा कभी लगेगा आधा घंटा हो गया। 15 मिनट में अभी और 15 मिनट लगेगा। कमाल करते हो यार। यहाँ पे आने के बाद थोड़ी रेगिस्तान की फीलिंग आ रही है। मतलब प्रॉपर रेगिस्तान तो नहीं कह सकते लेकिन जो रेत मिलती है हमें वो यहाँ से लगना स्टार्ट हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। ब्रेकफास्ट आ गया भार्गव जी। क्या मंगाया ब्रेकफास्ट में? दो तरीके के पराठे। कौन कौन सा पराठा है? आलू का और एक पनीर का है। एक आलू पराठा और एक पनीर पराठा। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते और निकलते। चलो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। ब्रेकफास्ट 12 बजे 12:30 बजे वेरी गुड। अब फटाफट निकलते हैं और जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा भैया?
कुछ कह सकते हैं इनको, ऐसे लोगों को कुछ कह सकते हैं? क्या बोले अभी ऐसे लोगों को? तो ये है प्रॉपर रेगिस्तान, और मेरे लाइफ में मैं पहली बार ये रेगिस्तान ऐसा देख रहा हूँ। जैसलमेर यहाँ से इस बोट पे तो 6 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो होटल है वो है 9.9 किलोमीटर। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड इन जैसलमेर, द टाइम इज 3:48। सब बुकिंग हो गया? बुकिंग है, बुकिंग है। प्रोग्राम, खाना, टेंट, रुकना बढ़िया, सस्ता। हो गया सर, ठीक है। कार्ड रख लो अपने लिए, नेक्स्ट टाइम कुछ जरूरत हो कार्ड, ठीक है भैया। चलेगा चलेगा। मार्केटिंग चल रही है लोगों की, जैसे कोई टूरिस्ट अंदर आता है तो लोग मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। वी हैव टू सी पेट्रोल पंप, एंड ये रहा यहाँ पे पेट्रोल पंप। फुल करो ना, फुल फुल फुल। हाँ जी, एक दो मिनट। जीरो है जी, जीरो है, ठीक है। सामान ले रखा, सामान तो लेना पड़ेगा ना, अभी घूमने के लिए आना है तो सामान तो लेना पड़ेगा। एक बैग बड़ा डाल देते बस, हो गया है ना ये सारा, इतना चाम चाम लेके लेने से अच्छा 5-7 लगा ले कुछ और नहीं तो क्या। समझता ही नहीं है कैसे होगा कंट्री का, ये ऐसे लोग रहेंगे तो देश में, है कि नहीं? और जैसलमेर का माहौल कैसा है? अच्छा है। टिड्डी बहुत आई हुई है पाकिस्तान से। क्या आई है? टिड्डी क्या होता है? इतना जीव होता है छोटा सा। हाँ, फसल पूरी चौपट कर दी उसने। अरे बाप रे, पूरा खा गया, काट दिए पेड़ पौधे, काट दिए सब। अरे बाप रे। हाँ, उसको उस वाले है ना, उसको उसकी वजह से इंसानों को कुछ तकलीफ है क्या? क्या रुल गए इनमें हमको आ जाओ, जिसके 15 लाख की फसल थी। नहीं नहीं नहीं, इंसान की सेहत को, इंसान की सेहत को कुछ नहीं। मैं थोड़ा गाड़ी साइड में लेता और देता हूँ। 870 कितना? 870, ठीक है। चलो फेयर बैग तो हो गया, तो होटल देखते जल्दी से। ये क्या है, क्या यही फॉल्ट है? यस यही फॉल्ट है, यही जैसलमेर फॉल्ट है। अच्छा, रास्ता बंद है तो होटल है ना वहाँ पे, हमारा होटल है वहाँ पे। होटल? हाँ, होटल मैप में दिखा रहा है, देखो ये गलत रास्ता है, सभी यहाँ पे आते हैं। अरे बाप रे, तो अभी ये था पहले शॉर्टकट, यहाँ से वो निकल जाता था एयरफोर्स के लिए। ये देखो इधर प्ले ग्राउंड ने, परेड ग्राउंड किधर है? उधर होटल दिखा रहा है। अब परेड ग्राउंड है वो आगे एसएसबी का है, पर ये एक्चुअली अभी रास्ता बंद हो चुका है। तो उधर ही होटल है, होटल उधर ही दिखा रहे। घूम के दूसरा रास्ता जाएगा, घूम के दूसरा रास्ता जाएगा। एयरपोर्ट रोड कहाँ पे भाई साहब? हाँ भाई, वो एयरपोर्ट रोड उधर ही मिलेगा। उधर है नहीं, यहाँ से जाओगे ये फर्स्ट वाला सर्कल आएगा, उधर से राइट ले लेना, वो सीधा रास्ता जाएगा और उधर ही बोर्ड आएगा एयरपोर्ट स्टेशन, उधर से आप पूछ लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू भैया। यहाँ के सब स्ट्रक्चर जो है वो सब अलग दिख रहे हैं, सब ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के।
वेल ये है हमारा होटल, होटल आकाशदीप। एक्चुअली हमने MMT पे SS हवेली करके होटल में रूम बुक किया था, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो उस रूम की हालत देख के हमने उस होटल में रहने का प्लान कैंसिल कर दिया, और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे हमने रूम ले लिया। स्कूल जाते हो क्या? हाँ। कौन से कक्षा में हो? 8 स्टैंडर्ड में हो? हाँ। अरे वाह, स्कूल जाया करो हाँ, और अच्छे से पढ़ाई करना, यहाँ पे काम भी मत करना। हाँ। किसका होटल है ये? ये मेरे भाई का ही है। भाई का ही है ना, हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा हाथ लगाना काम में, लेकिन स्कूल जाना और पढ़ाई कंप्लीट करना अच्छी तरीके से, समझा? चलो चले अभी।